हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सेव पाव, जो पुणे का बहुत ही फेमस डिश है। आई एम श्योर आप खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई करें। तो सबसे पहले हम लोग पुदीना की चटनी बना के लेंगे। उसके लिए फ्रेश धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा सा पानी डाल के उसे मैंने मिक्सर से ग्राइंड करके लिया है। अभी ये चटनी रेडी है तो हम लोग सेव पाव बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बड़ी साइज के ब्रेड लिए हैं, जिसे पाव और बन भी बोलते हैं, तो आप इसे बड़े वाला ही ले लो। ये मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसे मैंने बाद में इसे दो पीसेस में कट करके लिया है। अब इसके ऊपर मैंने जो पुदीना की चटनी बनाई थी वो थोड़ी सी डाल के उसे स्प्रेड करूँगी। ध्यान रखिए इसमें हरी मिर्च है तो ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हमें डालना है और इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। इसके बाद हम लोग इस पर डालेंगे टोमेटो केचप, इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आप ये ज़्यादा भी डाल सकते हो, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने खीरा को बारीक कट करके उसके स्लाइसेस बनाइए हैं, तो उसे मैं इसे स्प्रेड करूँगी इस पर। इसके बाद बारीक कट किया हुआ प्याज, उसे भी हमें अच्छे से स्प्रेड करना है। इसके बाद टमाटर की स्लाइसेस है, उसे भी हमें स्प्रेड करके रखना है। उसके बाद हम लोग इस पर डालेंगे ये सेव। ये एक्चुअली लहसुन वाला सेव है, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है, आप भी यही वाला यूज़ करें। जितना ज़्यादा सेव आप डालोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़्यादा ही यूज़ करो। इसके बाद हमें भर भर के मायोनीज ऐड करना है। मुझे मायोनीज बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम पसंद है तो नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, और कम डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। इसके ऊपर से फिर से हमें सेव ऐड करना है। सेव पाव को इंडियन बर्गर भी बोला जाता है, क्योंकि इसका लुक जो है वो बिल्कुल बर्गर से सही है, इसीलिए। अब एक प्लेट में हम लोग ये सेव लेंगे, इसे स्प्रेड करना है अच्छे से। उसके बाद जो सेव पाव बनाया है उसको दो पीसेस में कट करना है, और ऐसे बीच में हमें और सेव ऐड करना है। इस तरह से हमारा सेव पाव बिल्कुल रेडी है।